दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट सीरीज जीती, उसके बाद वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया और पांच मैचों की वनडे सीरीज के जब चौथे मैच में टीम इंडिया उतरी तो टॉस जीतकर इस बार बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी भी ऐसी की कि श्रीलंका पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ शुरुआत से ही टीम इंडिया ने हल्ला बोला। पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने धमाका किया, उसके बाद धमाका किया टीम इंडिया के आतिशी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने। मैच में एक वाक्या तो ऐसा आया जब महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा आ गया और गुस्से में धोनी ने बॉल पहुंचा दी सेकंड स्टैंड पर। और बॉल आपको बता दे किसकी थी, बॉल थी इस मैच में श्रीलंकन टीम की कप्तानी कर रहे तेज गेंदबाज लसित मलिंगा की। धोनी ने शॉट इतनी तेज मारा कि काफी देर तक गेंद हवा में ही रही और जैसे ही स्टैंड पर गिरी तो दर्शकों ने धोनी धोनी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वाकई जो धोनी का ही खोस आ गया था वो धोनी अब लौट आया है और जो लोग धोनी पर सवाल उठाते हैं धोनी ने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। वाकई धोनी ने अपने 300वें मैच में दिखा दिया कि उनमें दमखम बाकी है। पिछले दो मैच में तो टीम इंडिया को धोनी ने जीत दिला ही, लेकिन इस मैच में भी धोनी का धमाका देखने लायक था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।